अब तक मार्वल ने अपने 8 डिज्नी प्लस शोज के अनाउंसमेंट कर दिए, जो कि है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वांडा विजन, व्हाट इफ, लोकी, मिस मार्वल, शी हल्क और हॉकाई। तो इस वीडियो में मैं आज आपको हॉकाई सीरीज से रिलेटेड कुछ ऐसे डिटेल्स बताऊंगा जो कि कन्फर्म्ड है और हमें देखने को मिलेंगे। हम सभी जानते हैं कि हॉकाई को अब तक उसकी एक सोलो फिल्म नहीं मिली है, लेकिन अब उसे उसकी एक सोलो डिज्नी प्लस सीरीज मिलने वाली है। तो अगर कास्ट की बात करें तो जेरेमी रेनर अपने हॉकाई के रोल में वापस आ रहे हैं और बाकी के कास्ट की कन्फर्मेशन नहीं हुई है अभी, लेकिन उम्मीद है कि हमें उनकी फैमिली में जो रोल प्ले करते हैं वो भी पूरे दिखें। तो अगर स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें क्लिंट बार्टन अपना हॉकाई का मेंटल पास करेगा और किस पर करेगा ये भी अभी सवाल है, क्योंकि केट बिशप हो सकता है इंट्रोड्यूस हो या फिर अपनी बेटी को ही वो दे दे, ये ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में ही कुछ ही दिनों पहले इसका एक बेसिक प्लॉट रिलीज हो गया है कि इस सीरीज में हॉकाई हमें डेफ दिखेगा यानी बहरा दिखेगा, तो हो सकता है उसी की वजह से वो अपना मेंटल पास करे। तो हो सकता है प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमें कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिले और इस शो में हमें क्लिंट की बैक स्टोरी भी बताई जाएगी, ऐसा कंफर्मेशन भी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर केट बिशप इस सीरीज से अपना डेब्यू करती है तो ये हो जाएगा, ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमें यंग अवेंजर्स आगे आने वाले मूवीज में दिखेंगे, क्योंकि केट बिशप यंग अवेंजर्स की प्रोमिनेंट मेंबर्स में से एक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन की यानी कि अभी की। तो ये सीरीज हमें 2021 में दिखने वाली थी, लेकिन अब उसकी प्रोडक्शन रुक चुकी, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन इसी समर में यानी अभी चालू होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते शुरू नहीं हो पाई। तो जैसे ही उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और इससे कोई भी नई रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। तो बस ये कुछ हॉकाई सीरीज से रिलेटेड डिटेल्स जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल सुपरफैन कॉमिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा।